बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रिजवर्ल्ड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की स्पेशल सुगात पंजीरी। बहुत आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 1 किलो चने की दाल और 1 किलो ही मूंग की दाल ली है, और 1.5 किलो देसी घी है, और 0.5 किलो चीनी है, और ड्राई फ्रूट में मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और मेवे लिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक देचकी लें और इसमें देसी घी डालें। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें दालें डाल दें। मैंने चने की दाल और मूंग की दाल को अच्छी तरह से साफ़ किया है पहले, फिर इसको ग्राइंड किया है और छान लिया है। चूल्हे की आंच मीडियम रखनी है, इसे तेज़ आंच पे नहीं बनाना, और चम्मच को मुसलसल हलाते जाना है। 15-20 मिनट मुसलसल हलाते जाना है। इसकी बुनाई करनी है और हल्की सी खुशबू आएगी और रंगत भी देखें चेंज हो गई है। तो ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएगी। और चूल्हा बंद करते हैं। और ये देखें, इस वक्त चूल्हा बंद है लेकिन दाल बहुत गर्म है। अब मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और देखिएगा, ये दाल इतनी गर्म है कि इसी दाल में ये ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई हो गया है, ये देखें। और चम्मच को मुसलसल हलाएँ। और ये देखें, दाल अभी भी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। 5 मिनट और इंतज़ार करूँगी और इसमें चीनी डाल दूंगी। मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दानेदार ही चीनी डाली है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये पंजीरी आप 8-8 डिब्बों में डाल के 2 से 3 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।